शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फोन नंबर तुम्हारा और बज रहा तुम्हारे हाथ में, तो विभीषण तो तुम्हें हुई ना बहू। कि साबित नहीं हुआ है कि तुलसी धाम हमारा है? अगर ऐसा कोई पेपर नहीं मिला तो हम तुलसी धाम को हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। आज मैं इस प्रोजेक्ट को ही तोड़ देती हूँ। चाहे घर तोड़ो या किसी का सर फोड़ो, लेकिन किसी का सपना कभी न तोड़ो। आप ना बस हमें मुस्कुरा के विदा कर दीजिए, फिर आप देखिएगा उसी मुस्कुराहट के साथ हम केस जीत कर वापस आएंगे। मैंने गीता में कहा है कि ईश्वर से भी बड़ा होता है सिद्धांत। ये संसार न्याय के सिद्धांत से चलता है, इसलिए हमें सदैव अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना चाहिए। क्योंकि यदि हम अन्याय के विरुद्ध नहीं हैं, तो इसका अर्थ ये है कि हम अन्याय के साथ हैं। रजिस्ट्रार जी, पकोड़ा खाइए और फैसला सुनाइए अभी के अभी। इतनी जल्दी क्या है काका? कहा था ना कि तुलसी जरूर आएगी, उसके लिए भी पकोड़े ले लो। हम यहाँ पकोड़े खाने नहीं, अपना तुलसी धाम लेने आए। हाँ हाँ, जरूर लो तुलसी बिटिया। वैसे भी उस जमीन पर 21 साल से मैंने धनिया तक नहीं बोया, पर पहले प्रूफ दो रजिस्ट्रार साहब को कि वो जमीन तुम्हारी पुश्तैनी जमीन है, फिर करना उस पर भक्ति की खेती। तुलसी जी, पेपर दिखाइए, अगर प्रूफ हो गया तो जमीन आपको वापस मिल जाएगी, नहीं तो तुलसी धाम हमेशा के लिए सोलंकी जी का हो जाएगा। अरे अरे अरे, यहाँ के झाड़ू लगा रही हो, आके मेरे सर पे लगाओ ना। वैसे भी सबको सर पे ही चढ़ना होता है, देवरानी की तरह। ओहो, आप भाभी जी, जब तक मन में मैल हो ना, घर की सफाई ठीक से नहीं होती है। अच्छा, मेरे मन में मैल? वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि डीएसपी को फोन तुमने किया था, वो भी मेरे फोन से। भाभी जी, हर रोग का इलाज है, पर आपके शक का नहीं। अरे, मैं तो आपकी छोटी बहन जैसी हूँ, और आप है कि भला मुझ पे ही शक कर रही हैं। प्यादा मारकर ये मत समझना कि तुमने बाजी जीत ली है, अभी पूरी शतरंज बाकी है। भाभी जी, अभी आप बिना ताज के क्वीन हैं, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। ओहो, मैं तो बातों बातों में असली काम तो भूल ही गई। ये लीजिए लीजिए, संतों से ये सारी साड़ियां धुलवा दीजिएगा, और हाँ, प्यार से धुलवाइएगा, रेशमी धागे हैं, कहीं टूट ना जाएं। इतनी प्यारी साड़ियां हैं तो खुद को नहीं धो लेती। जानती हूँ भाभी जी, मालकिन से नई नई नौकरानी बनी है ना आप, आदत नहीं है, पर कोई बात नहीं, आपकी ये देवरानी है ना, इसकी भी आदत मैं लगा ही दूंगी आपको। देखिए सर, ये है हमारी वंशावली, इसमें हमारे गुरु दादा कुंभन दास जी से लेकर हमारे बाबा सबका नाम है, आप खुद देख लीजिए। संपत यार, इससे ये तो सिद्ध हो गया कि खानदानी लोग हैं, पर प्रूफ क्या है? प्रूफ क्या है वो दिखाइए। ये देखिए सर, ये तुलसी धाम की पर्चियां जो इतने सालों से हमारे बाबा कटवाते आ रहे हैं, देखिए आप खुद देखिए। अरे रजिस्ट्रार साहब,
अब क्या चंदे की रसीदें कटवा कर भी जमीन अपने नाम की जा सकती है क्या? मुझे पता नहीं था ये। माफ कीजिएगा तुलसी जी, ये पेपर काफी नहीं है। इन पर कहीं नहीं लिखा है कि तुलसी धाम आपकी पुश्तैनी जमीन है। आप सच कह रहे हैं, क्योंकि वो इस पांडुलिपि में लिखा है। पांडुलिपि में लिखा है। तुलसी बिटिया, ये कहां से ले आई तुम आदिकाल के पेपर्स? काका, तुलसी धाम भी कोई आज का नहीं है, सैकड़ों साल पुराना है। और सर, यहां देखिए, यहां साफ साफ लिखा है, कहत कुम्मन दास लियो मेरे तुलसी धाम में लड्डू गोपाल अवतार। और वंशावली से हम ये सिद्ध कर चुके हैं कि कुम्मन दास के वंशज हम ही हैं। वो हमारे दादा गुरु थे और इसीलिए तुलसी धाम हमारा है। अरे आदमी चांद पर पहुंच गया और तुम ये जमीन से खोदकर भोजपत्र ले आई। डिजिटल युग में ये भोजपत्र मान्य नहीं है। रजिस्ट्रार साहब बताइए नियम। वैसे नियम तो यही है सोलंकी जी, पेन से लिखा जाए या कंप्यूटर से, पेपर पे लिखा जाए या भोजपत्र पे, अगर लिखित में है तो वो पेपर मान्य है। और काका, हमारी संस्कृति का आधार वेद पुराण सभी ग्रंथ भोजपत्र पर ही तो लिखे गए। अब केवल भोजपत्र पर लिखे होने की वजह से आप इन्हें भी खारिज कर देंगे? हर रोग की दवा तुलसी, हर बात की सही दलील तुलसी के पास। चलो मान गए तुम्हें भी और तुम्हारे तर्क को भी। पेपर्स एक्सेप्टेड, तुलसी धाम तुम्हारा हुआ। Congratulations. लो, अब तो सोलंकी जी ने भी कह दिया, मतलब केस दाखिल खारिज। आप जीत गई तुलसी जी, बधाई हो। लड्डू गोपाल, हमने कहा था ना कि केस हम ही जीतेंगे। लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल। बच्चे जीतते हैं तो पिता को बड़ी खुशी होती है। नहीं ना, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं तो तुम्हारे बाबा की बात कर रहा हूं। बड़ा गर्व होता श्याम सुंदर जी को तुम पर। तुलसी धाम तुम्हारा हो गया। जाओ बनाओ भगवान लड्डू गोपाल का मंदिर, करो पूजा पाठ और कथा प्रवचन। मुझे तो बस इतना बता दो कि मेरा 1 करोड़ रुपया मुझे कौन लौटाएगा। तुम या तुम्हारे बाबा? एक करोड़? किस बात के 1 करोड़? भाई 1 करोड़ रुपया जो तुम्हारे बाबा ने लेकर मुझे तुलसी धाम बेचा था। ये झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है।
इसका मतलब कथावाचक जी ने दाएं हाथ से लेके बाएं हाथ को पता नहीं लगने दिया। पर कोई बात नहीं, तुमने अपने पेपर दिखा दिए, अब मैं अपना पेपर दिखाता हूं। संपत बेल की तरह होते हैं, इन्हें जितना भी काटो उतना ही बढ़ते चले जाते हैं, हर बार नए नए रूप धर के सामने आते हैं, जैसे त्रिगुण सोलंकी हर बार नए नए योजनाओं के साथ अपना कुचक्र रचता है। पर संसार ये ना सोचे कि यह धर्म रूपी अमर बेल का अंत नहीं हो सकता। पाप की बेल बढ़ती जरूर है पर अपने विनाश की ओर, क्योंकि उसका अपना कोई आधार नहीं होता, वो दूसरे के आश्रय पर जीती है, और जिसका अपना कोई आधार नहीं होता उसका अंत निश्चित होता है, आज नहीं तो कल। इसलिए सखी तुलसी, अब तुम्हें काटना ही होगा अधर्म, अहंकार और झूठ के उन शाखाओं को जिसके सहारे त्रिगुण का पाप फैल रहा है। तुम्हें नष्ट करना होगा उस आधार को जिसके सहारे त्रिगुण अपने दंभ के साथ खड़ा है। यही तुम्हारा युद्ध है, यही तुम्हारा अंतर्द्वंद है और यही तुम्हारी यात्रा है। हम नहीं मानते इन पेपर को, क्योंकि हमारे बाबा किसी से 1 करोड़ तो क्या, किसी से 1 रुपए भी नहीं ले सकते। तुम्हारा खून खून, हमारा खून पानी, तुम्हारे पेपर सच्चे और हमारा पेपर झूठा है। आप जानते थे कि ईमानदारी से आप इस लड़ाई को जीत ही नहीं सकते, इसीलिए अब आप ये झूठ बोल रहे हैं। तुलसी बिटिया, इतना परेशान क्यों हो रही हो? तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं, भरोसा नहीं, लेकिन अपने बाबा पे तो विश्वास भरोसा है। घर जाओ, पूछो अपने बाबा से, हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। पर सरकार, कथावाचक जी तो द्वारिको गए हैं, हैं? तुलसी बिटिया, ये तो बताओ, ये संयोग है या प्लानिंग? प्लानिंग की जरूरत सच को नहीं, झूठ को होती है, और हमें कोई जरूरत नहीं अपने बाबा से पूछने की, क्योंकि हम आपका नेचर बहुत अच्छे से जानते हैं। जो इंसान एक बाप को उसकी बेटी की मौत का भय दिखाकर तुलसी थाम अपने नाम करवा ले, उसके लिए किसी से भी कभी भी जबरदस्ती साइन करवाना तो बहुत आसान काम है, आपका डेली का काम होगा ना। संपर्क, यही समस्या है सोसाइटी की। अरे मैं बुरा हूँ ना? नहीं सरकार, मैं कह रहा हूँ बुरा हूँ तो मैं बुरा हूँ, पर मैं अपना बिजनेस बड़ी सच्चाई और ईमानदारी से करता हूँ, क्योंकि उसी से बरकत आती है। हैं रजिस्ट्रार जी, आती है कि नहीं आती है? आप करते होंगे बिजनेस, पर हमारे बाबा वो आपके जैसे नहीं। तुलसी बिटिया, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि कथावाचक जी बेईमान हैं, वो तो बिजनेसमैन हैं मेरी तरह। बस फर्क इतना है कि मैं जमीन का धंधा करता हूँ और वो भक्ति का बिजनेस करते हैं। पूरे 1 करोड़ रुपए के लड्डू का चढ़ावा चढ़वाया है उन्होंने, तब दिया है मुझे तुलसी धाम। बस कीजिए त्रिगुण जी, इतने बड़े भक्त, इतने बड़े कथावाचक को अपमानित करने का अधिकार नहीं है आपके पास। संपत, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? सरकार बिल्कुल नहीं, पंडित श्याम सुंदर दास की गलती है। अरे गोरवा गांव के लोगों को 1 करोड़ के बारे में नहीं बताया ना, सही, पर कम से कम अपनी प्यारी बिटिया को तो बता देते। हमारे बाबा पर कीचड़ उछालने से आपके किए पर मिट्टी नहीं पड़ जाएगी। आप चाहे जो कहें, हम आपके इन झूठे पेपर्स को नहीं मानते, मतलब नहीं मानते। अब जब कीचड़ में उतार ही दिया है आपने हमें, तो कमल तो हम लेके ही जाएंगे।
अरे रजिस्ट्रार साहब, बताओ ना तुलसी बिटिया को क्या है नियम कानून। तुलसी जी, सोलंकी जी ठीक ही कह रहे हैं। जैसे मैं आपके पेपर को नहीं नकार सकता, वैसे आप सोलंकी जी के पेपर को भी नहीं नकार सकती। जानता हूं रजिस्ट्रार साहब, बहुत अच्छे से जानता हूं। या तो आप भी इनसे डर चुके हैं, नहीं तो जरूर आप दोनों के बीच टेबल के नीचे कुछ लेन देन। आप खुद को बचाने के लिए मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। माधव, हम बात कर रहे हैं। अब बात करने को रही क्या गया है? आपको जो समझना है समझिए, मैं सोलंकी जी के इस पेपर को एक्सेप्ट करता हूं। क्योंकि आपके बाबा ने इनसे 1 करोड़ रुपया लिया है, जब तक वो इन्हें लौटा नहीं देते या फिर ये बात गलत साबित नहीं हो जाती, तब तक तुलसी धाम का मालिकाना हक सोलंकी जी के पास रहेगा। सर, ये गलत है, ये गलत है। आप इस तरह से ये निर्णय नहीं ले सकते, ये गलत है। 15 दिन का समय है आपके पास दाखिल खारिज के लिए, उसके बाद तुलसी धाम हमेशा के लिए सोलंकी जी का हो जाएगा। हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम अपना तुलसी धाम इनके हाथ कभी नहीं लगने देंगे। तो ठीक है, ले आओ 1 करोड़ रुपया और ले लो अपना तुलसी धाम। तुलसी, अभी हम यहां से जाते हैं, अगली बार जब लौटेंगे सब सबूतों के साथ। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल मनुष्य के विनाश के सारे द्वार खोल देता है, चाहे वो स्वयं को चौसल का कितना ही बड़ा खिलाड़ी क्यों ना समझता हो। मामा शकुनी और दुर्योधन ने इसी प्रकार छल और कपट से पांडवों का सारा राज्य हड़प लिया था और उन्हें 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था, किंतु उसके पश्चात कौरवों का समूह नाश हो गया था। क्योंकि मैं पापियों को उनके कर्मों का दंड अवश्य देता हूँ और इसी जीवन में देता हूँ। एक करोड़ रुपया तुम्हारे बाबा ने लेकर मुझे तुलसी धाम बेचा था। तुलसी, तुलसी, तुम साहस रखो, तुम ऐसे टूट नहीं सकती हो। कैसे साहस रखे हो? हमसे हमारा सब कुछ चिर गया, सब कुछ, हमारा विश्वास, हमारा बल, हमारा तुलसी धाम, सब कुछ चिर गया। हम हमेशा से मानते थे कि जीत ना हमेशा धर्म की होती, सत्य की होती है, पर आज उस त्रिगुण सोलंकी ने हमसे हमारा वो विश्वास भी छीन लिया। तुलसी, अब अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। सब खत्म हो गया माधव, सब खत्म हो गया। हमने ना माँ को विश्वास दिलाया था कि ये केस हम ही जीतेंगे, कि उस त्रिगुण सोलंकी के पाँव हमारे तुलसी धाम पर कभी नहीं पड़ेंगे। हम क्या जवाब देंगे अपनी माँ को, बाबा को क्या जवाब देंगे? तुलसी, सब तो पहले ही हार चुके थे, लेकिन तुमने साहस दिखाया, तुमने हिम्मत दिखाई त्रिगुण सोलंकी के सामने खड़े होने की। पर अब हम भी हार गए मतलब? नहीं तुलसी, नहीं, आस्था कभी हारती नहीं है, और अगर भक्त कभी हारता है तो उनकी लड़ाई स्वयं भगवान लड़ते हैं। बस भरोसा रखो, देखना लड्डू गोपाल जरूर कोई ना कोई रास्ता दिखाएंगे। कुछ ठीक नहीं होगा मतलब, सब कुछ सब बिखर गया,
तुमने सबको भरोसा दिलाया था कि तुलसीधाम में लड्डू गोपाल की कथाएं होंगी, लड्डू गोपाल का भव्य मंदिर बनेगा, पर अब वहां उस त्रिगुण सोलंकी का प्रोजेक्ट बनेगा और आप सब देखते रह जाएंगे। माधव, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तुलसी, मैं ये नहीं जानता हूँ कि आगे क्या होगा, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो लड्डू गोपाल कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाते। बस उन पे विश्वास रखो तुलसी, ठीक हो जाएगा। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं, अभी कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो बस। लेकिन तुलसी, मैं तुम्हें इस हाल में अकेला नहीं छोड़ सकता। हम ठीक है, बस कुछ समय अकेला रहना चाहते हैं। तुम घर जाओ, हम आ जाएंगे। हे लड्डू गोपाल, अब हम क्या करें? आज ऐसा लग रहा है जैसे हम पूरी तरह से हार गए। अवश्यम भावी भावनाम प्रतिकारो भवेद्यति, अर्थात जो अवश्यम भावी है, नियत है, वो घटकर ही रहता है, उसका प्रतिकार नहीं होता। क्योंकि यदि ऐसा होता तो राजा नल, भगवान राम और युधिष्ठिर इतना कष्ट नहीं पाते। तुलसी सखी, मैं तुम्हारे इस दुख को समझ सकता हूँ। जब पहली बार मुझे ये ज्ञात हुआ था कि मेरे माता पिता कारागार में हैं, तो मैंने भी इस दुख का अनुभव किया था। किंतु हमें दुख से हारना नहीं बल्कि उनसे जीतना चाहिए। कष्ट के कारण को जड़ से समाप्त कर देना चाहिए। और यहाँ तुम्हारे दुख का कारण है त्रिगुण, जिसके अधर्म को इस संसार से समाप्त करना ही तुम्हारे इस जीवन का उद्देश्य है सखी। धर्म पत्नी जी, भगवान लड्डू गोपाल से उनकी अवतरण भूमि तुलसी धाम छीन लिया। त्रिगुण सोलंकी के चक्रव्यूह से निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। अब देखना ये है कि भक्ति का भक्षण करने वाला त्रिगुण से मेरी भक्त तुलसी धाम को किस प्रकार वापस प्राप्त करती है। दुनिया की नजरों से परे तुलसी के बनने सारथी आ रहे हैं तुलसी धाम के लड्डू गोपाल, सिर्फ शिमालू टीवी पर।